साउंड में क्या है हमारे पास। अच्छा, दो चीजें साउंड में, एक है नॉइस और एक है म्यूजिकल साउंड। अच्छा, नॉइस को आप याद रखो हमेशा। नॉइस किसको कहते हैं? नॉइस वो ये है, बेसिकली अनरीडेबल फ्रीक्वेंसी है। जितनी भी जो भी फ्रीक्वेंसी जो है वो अनरीडेबल होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ हमारे पास ये एक वेव्स है, सही है, आप उसको एक्चुअली आप रीड नहीं कर सकते। और एक जो है वो साउंड है, मीनिंगफुल वे एनर्जी है। मीनिंगफुल फ्रीक्वेंसी से मतलब मेरी क्या है, मतलब मैं आपसे कहूँ अगर, सही है, मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूं। अगर आप नोट करें इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, नॉइज और साउंड के अंदर, नॉइज और साउंड में सबसे इम्पोर्टेंट फर्क ये है कि अगर आप नोट करें, दिस इज नॉन पीरियोडिक टर्म्स। जो इसकी हाई बीम्स मिल रही है, अगर आप नोट करें, यहाँ हाई बीम्स मिली, सही है, यहाँ हाई बीम्स मिली या लो बीम्स मिली, तो वो पीरियोडिक सिटी नहीं है इसके अंदर। जबकि यहाँ पर अगर आप नोट करें, जो कि आपको मैं साउंड कह रहा हूँ, उसके अंदर कोई पीरियोडिसिटी है, सही है, कुछ ना कुछ पीरियोडिसिटी मिल रही है आप लोगों को। एक पर्टिकुलर वेव जो होती है वो पर्टिकुलर के बाद एक पीक लेती है, फिर नीचे जाती है, फिर पीक लेती है, फिर नीचे जाती है। जबकि नॉइस के अंदर ऐसे पीक्स नहीं है आपके पास। जब ऐसे पीक्स नहीं मिल रहे होते तो आप क्या कहते हो, बेसिकली इसको नॉइस कर देते हो। अच्छा, एक दफा इन्होंने यही किया था कि कुछ मुख्तलिफ वेव्स बना दी थी, फ्रीक्वेंसीज दे दी थी, और बोला था इसमें से डिस्टिंग्विश करो नॉइस कौन सी है, साउंड कौन सा है। तो आप साउंड के लिए हमेशा याद रखना, साउंड के लिए आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ पीरियोडिसिटी जरूर मिलेगी। पीरियोडिसिटी का मतलब ये है, हैविंग अ सम सर्टेन पीरियड, इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, सम सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो साउंड है, पीरियोडिसिटी है उसके अंदर। तो पीरियोडिसिटी जो होती है वो बेसिकली एक सम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीटेशन का नाम जो होती है वो देती है। मतलब मैं अगर वाइव एम्पलीट्यूड के ऊपर बात करूँ, वाइव एम्पलीट्यूड एफर्ट्स कर लो, अगर मैं इस तरह से बात करूँ, तो वो एक्चुअली क्या होगा उसके अंदर, जब आप एम्पलीट्यूड के अंदर वो सर्टेन पीरियड ऑफ इंटरवल के बाद वो अपने आप को क्या कर रहा होगा, साइन ऑफ डब्ल्यू नॉट इंटू टी इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट, इसे एम्पलीट्यूड या वाई वन कह लेता हूँ इसको, इज इक्वल टू वाई नॉट टाइम्स ऑफ दिस थिंग। साइनोसाइडल का मतलब है सम इंटरवल ऑफ टाइम के साथ ये मल्टीप्लाई होके ऑब्टेन कंडीशन को करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, सही है। इसके ऊपर, साउंड के ऊपर जब हमारी जब बहस छिड़ना शुरू हुई थी, तो मैंने बोला था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म था हमारे लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, सही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड। अच्छा, इन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर, म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? सबसे पहले हमने जो म्यूजिकल साउंड में कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करी थी, वो बात करी थी इंटेंसिटी की, सही है, ग्रेटर द इंटेंसिटी ग्रेटर द साउंड, मिनिमम द इंटेंसिटी मिनिमम द साउंड। इंटेंसिटी क्या होती है, एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, सही है, आप इसको इंटेंसिटी का नाम दे सकते हो। मतलब इंटेंसिटी, अगर कोई आपसे पूछे किसी भी साउंड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, याद रखना, सही है, फार्मूला इसका एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, सही है, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। अगर कोई आपसे इंटेंसिटी पूछेगा तो आप क्या करोगे, उस जो भी साउंड है उसकी एनर्जी पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे कवर कर रही है और कितने टाइम में कवर कर रही है, सही है। अगर टाइम कम होगा इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, टाइम ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा होगी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी इंटेंसिटी भी कम होगी, एरिया ज्यादा होगा इंटेंसिटी कम होगी, एरिया कम होगा इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो तीन फैक्टर्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी के लिए, एनर्जी एरिया एंड टाइम। अच्छा, इंटेंसिटी के बाद हम लोग इंटेंसिटी की डेफिनेशन के बाद एक्चुअली इंटेंसिटी से डिफाइन नहीं करते। इसके लिए मैंने कहा था हम लोगों ने क्या किया था, एक साइंटिस्ट को डिस्कस किया था, जो साइंटिस्ट एक्चुअली आपको डिस्क्राइब करने के लिए हमने लिया था, वो साइंटिस्ट जो था
बेसिकली आपके पास जो बात कर रहा था वो साइंटिस्ट बात कर रहा था इंटेंसिटी लेवल के ऊपर। व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल? इंटेंसिटी लेवल क्या होता है? इंटेंसिटी लेवल एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअल इंटेंस अच्छा इंटेंसिटी लेवल से पहले मैं एक और साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर लूं, वो था वेबर फ्रेशनेस लॉ। इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, हम इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड पे डिस्कस कर रहे हैं। नाउ एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वेबर फ्रेंच लॉ, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ द इंटेंसिटी। सही है, तो कोई भी साउंड जो है वो बेसिकली उसकी लाउडनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ इंटेंसिटी। हाँ वासिक, क्या कह रहे हो वासिक? आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा जी, एक मिनट, कुछ कह रहे हैं बच्चे? नो सर। अच्छा जी, वेरी गुड। तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ द इंटेंसिटी। तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें ऑब्वियसली करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो बेसिकली अगर रखता है लाउडनेस को, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो लाउडनेस है वो लॉग ऑफ इंटेंसिटी के बराबर होगी। मतलब जितनी ज्यादा उसमें इंटेंसिटी होगी, ऑब्वियसली उसने उसमें उसके अंदर इतनी लाउडनेस होगी। एक्चुअल जो करेक्टरिस्टिक है ना, तीन करेक्टरिस्टिक है किसी भी म्यूजिकल साउंड के, अगर आप नोट करोगे तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक होता है ना वो लाउडनेस होता है। सही है, सही है। नंबर टू होता है फ्रीक्वेंसी और नंबर थ्री होता है क्वालिटी। तो आपकी मैट्रिक की बुक है ना, उसमें तीन के ऊपर डिस्कशन सबसे ज्यादा किया हुआ है। एक्चुअली जो लाउडनेस है ना, हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक है ना, उसने लाउडनेस पहले पे रखा हुआ है, दूसरे पे इंटेंसिटी रखा हुआ है, और फिर तीसरे पे हमने क्या किया हुआ है, वेबर फ्रेंचनेस लॉ डाल दिया। फिर तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे गैलो इंटेंसिटी लेवल है। इंटेंसिटी लेवल है, इंटेंसिटी लेवल क्या होता है? इंटेंसिटी लेवल एक्चुअली कॉल्ड बीटा इज इक्वल टू 10 टाइम्स लॉग ऑफ द एक्चुअल इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। सही है यार, मेरे पास से शायद नेट डिसकनेक्ट हुआ है, तो मैं फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो लाउड इंटेंसिटी लेवल जो होती है, इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है डेसीबेल, याद रखिएगा, स्मॉल डी कैपिटल बी। तो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है डेसीबेल। सही है, आप याद रखें एक और टर्म, इंटेंसिटी रेंज क्या होती है? ह्यूमन साउंड रेंज जो होती है 10 to the power -12 तक की होती है, 10 to the power 1 से -12 तक की रेंज होती है, आई थिंक सो, -1 से -12 तक की रेंज होती है। अब वो आपसे कर ये सकता है, जो पेपर में सवाल एमसीक्यू का जो पूछा जा सकता है, वो सवाल कुछ इस तरह से आता है, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड हैविंग इंटेंसिटी 10 to the power -1 फर्ज कर लो, सोन। अच्छा, सोन किसका यूनिट होता है, याद रखना, सोन यूनिट होता है इंटेंसिटी का, ये यूनिट होता है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का यूनिट होता है। इसको आप निकालोगे कैसे? बीटा इज इक्वल टू 10 times लॉग ऑफ एक्चुअल इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। सही है, एक्चुअल इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी मैंने बताई कितनी होती है भाई, वो होती है -12, याद रखना बस। मिनिमम इंटेंसिटी को 10 log -12 के ऊपर ले जाए
12 हो गया, -1 प्लस 12 कितना हो जाएगा, +11। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 110 डीबी। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है एनडी में क्वेश्चन है, एमसीक्यू का स्पेशली। सही है, तो अपने बात दिमाग में रखिएगा, ये सवाल आया हुआ है बहुत ज्यादा कि इंटेंसिटी लेवल पूछा जाता है इंटेंसिटी देकर। तो आपको कभी भी इंटेंसिटी दे दी जाए, इंटेंसिटी कोई भी दे दी जाए, इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वर्स कर लो 10^-4 दे दी जाए। सही है, अब आपसे पूछे फाइंड करो इंटेंसिटी लेवल, और आपसे पूछेगा फाइंड इंटेंसिटी लेवल। तो अब आप करोगे बस सिंपल सा फार्मूला है, बीटा इज इक्वल्स टू 10 times लॉग ऑफ एक्चुअल इंटेंसिटी जो भी है गिवन है, डिवाइड बाय मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम -12 है। बस ये फार्मूला अगर आपको याद है ना, आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो सॉल्व। 10 log 12 8 हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, 80 dB आ गया बस। सही है, तो आपको कभी भी इंटेंसिटी दे दी जाएगी और आपसे इंटेंसिटी लेवल पूछा जाएगा। याद रखना एक और चीज भी, इंटेंसिटी लेवल की रेंज, इंटेंसिटी लेवल की जो रेंज है वो 0 dB से 120 dB होती है, इससे बाहर नहीं जा सकती है। जो इंटेंसिटी लेवल की रेंज है वो 0 dB से 120 dB होती है। सही है, इससे बाहर नहीं जा सकती है, ये बात अपने दिमाग में रखना, 0 dB से 120 dB होती है। और इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड की जो रेंज होती है वो मैंने आपको बताई, -12 सोन होती है, और कहां से होती है, 10^10 मेरे पास शायद नेट डिफॉल्ट कर रहा है आज ना, आज मैं असल में किसी जगह से किसी और जगह से कनेक्ट हुआ हूँ, यहाँ पे नेट डिफॉल्ट कर रहा है फर्स्ट डिवाइस से। मैं अभी ब्रेक के बाद जब आता हूँ ना, अभी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर लूंगा ताकि डिसऑर्डेशन खत्म हो जाए। तो मैं शेयर कर देता हूँ, होस्ट डिसेबल, होस्ट कौन बन चुका है भाई, होस्ट कौन बन गया है, होस्ट कौन बन चुका है, वो डिसेबल करा हुआ यार उसने, होस्ट डिसेबल यू, अभी कौन होस्ट है, होस्ट कौन है, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा जी, एक मिनट रुक जाओ, ये मसला चलता रहता है। आ गया, आप में से होस्ट कौन बना हुआ है इस वक्त,
चलो शुक्र है। अच्छा जी, कौन था होस्ट? सही है, तो हम सर्वासिक थे, मैंने कर दिया आपको। ओके, अच्छा वो लोग, तुम लोग कितने लड़के वहां से ले रहे हो क्लास कोचिंग से? तो हमारे पास जो आ रहा है वो 0 डेसीबेल से 120 डेसीबेल, इसकी रेंज जो आती है ना वो इस तरह से आ रही होती है, 10 पे पावर -12 से 10 पे पावर 1 तक की आ रही होती है आई थिंक सो। सही है, तो मैं आगे चलता हूँ, तो नेक्स्ट उस पे आता हूँ। 6 लोग हैं, अच्छा वहां पे 6 हैं, 6 लोग वहां पे हैंगे, चलो सही, अच्छा है। अब ये देखें हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास एक रेंज मैंने बता दी। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, ये इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि यार लाउडनेस है, लाउडनेस है नंबर 1। नंबर 2 है हमारे पास इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का यूनिट याद रखिएगा सोन होता है, सही है। और फिर थर्ड पे मैंने बताया इंटेंसिटी लेवल, और इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू 10 टाइम्स लॉग ऑफ एक्चुअल इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। द फोर्थ वन इज कॉल्ड व्हाट? ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी, सही है। और एक और नाम देते हैं इसको पिच, हमें पता है जितनी पिच ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी कम होगी। जैसे सबसे फेवरेट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ सेकेंड इस कॉल्ड पिच। और अच्छा एक सवाल आया था, बड़ा जबरदस्त सवाल था, मैट्रिक की बुक से सवाल लिखा हुआ था वो सवाल, वेव हैविंग 4 वाइब्रेशंस इन 2 सेकेंड्स, वेव हैविंग 4 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड, बल्कि कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ व्हेन इट इज मूविंग 340 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा 340 के ऊपर भी मैं अभी आके डिस्कशन करूंगा इस सवाल के ऊपर फिर से। अच्छा ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, अब ये सवाल देखने में बड़ा मुश्किल लगेगा जब आएगा ना पेपर में, जब भी वाइब्रेशन इन अ सेकेंड, अभी तो बड़ा आसान लगेगा क्योंकि हमने सारी चीजें लगा दी हैं इसमें। अब आपको याद रखना है वेव के लिए फार्मूला जो होता है ना वो इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, सही है। अब वी आपको पता है 340 है, एफ नहीं पता, लैम्डा नहीं पता, एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ सेकंड कितनी है? 340 इज इक्वल टू 4 वाइब्रेशन इन अ सेकंड, सही है। 2 × 2 तो 2 वाइब्रेशन है, 340 / 2 इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू 2 × 2 2 × 7 = 14, 170 मीटर जो होगी उसकी वेवलेंथ होगी अगर वो 340 मीटर से घूम रही हो, मीटर्स पर सेकंड से घूम रही हो, और 4 वाइब्रेशंस लेती हो 2 सेकंड्स के अंदर, तो उसकी वेवलेंथ जो होगी 170 मीटर की होगी। तो ये फार्मूला याद रखना, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला ये है फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर सेकंड्स, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है जिसको आपने याद रखना है। एक्चुअली मैट्रिक क्लास में फार्मूला आपको पढ़ाया जा चुका है, अभी तो यहाँ देखते हुए हो सकता है आसान लग रहा हो, लेकिन ये जब पेपर में आता है तो यकीनन उस वक्त दिमाग नहीं चलता हमारा। नाउ मैं आ जाता हूँ लास्ट के ऊपर, 5वां पॉइंट जो हमारा था
कैरेक्टरिस्टिक्स का 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट था वो था क्वालिटी, क्वालिटी, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है टिम्बरी, टिम्बरी, तो ये टिम्बर या टिम्बरी जो भी नाम रख लो, टिम्बर टिम्बरी या क्वालिटी, इसके थ्रू जो भी साउंड है हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी पिच एंड फ्रीक्वेंसी, जो भी साउंड है उसमें जो है वो हम उसकी क्वालिटी जो होती है उसके थ्रू उसमें डिस्टिंग्विश करते हैं। दो साउंड है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी पिच और वेवलेंथ हो, मतलब दो साउंड है जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है पिच भी सेम है, लेकिन हम थ्रू क्वालिटी क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ अ साउंड के थ्रू उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर क्वालिटी ऑफ अ साउंड ना हो तो हम उसमें डिस्टिंग्विश एलिमेंट नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का। तो एक्चुअली ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लैप्लासियन के ऊपर, सही है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, सही है। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या आता है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, एक बड़ी अच्छी स्लाइड है मेरे पास। ये देखिए नजर आ रहा है सबको ना, नॉइज एंड म्यूजिक, नॉइज म्यूजिक, म्यूजिक एंड नॉइज, साउंड क्वालिटी पिच। अच्छा ये पिचेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा बात की गई है इन लोगों ने, तो बकायदा म्यूजिकल साउंड के अंदर जो पिचेस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट की नोट्स पे क्या क्या आती है वो है बकायदा पूरा सिखाया गया है इसके अंदर ना, नोट्स बाय वन एंड अदर नेम्स, पिच, साउंड इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, देख लो -12 तक की रेंज है। अच्छा इन्होंने एयर जेट ये 1 तक रख लेना इसको ना, मिनिमम इंटेंसिटी सॉरी मैक्सिमम 1 है, 1 16 तक रखी है, 1/120 रखा हुआ, और 12 की है जेट एयरप्लेन्स 30 मीटर अवे, की यकीन है ऑब्वियसली आवाज़ कितनी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, और सबसे कम है थ्रेश होल्ड हेयरिंग, जैसे चूटियों जो है उससे कम फ्रीक्वेंसीज पे आपस में बात कर रही होती है, और थ्रेश होल्ड हेयरिंग डेसीबल्स, जितनी इंफ्रासोनिक वेव्स होती है वो थ्रेश होल्ड पे काम करती है, इस कम पे होती है। अर्थक्वेक से पहले एक वेव्स क्रिएट होती है, जैसे मैंने बताया था इंफ्रासोनिक वेव्स होती है वो 10^-12 से कम होती है उनकी यकीन इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, तभी वो हमें सुनाई नहीं देती, और चरिंद परिंद को सुनाई देती है वो पहले से भाग जाते हैं वहां से। डेसिबल स्केल्स आपके पास होते हैं, इंटेंसिटी साउंड मीटर्स कहलाते हैं, सही है। क्वालिटीज के ऊपर है, पियानो के ऊपर है। अच्छा क्लोजिंग आ रहा है, फॉरन ज्वाइनिंग कर देना अगर क्लोज हो जाएगा तो। नाउ उसके बाद जो है हमारे पास ये लेक्चर इसका शायद खत्म हो गया, सॉरी 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 और भी है, वेव्स पैटर्न, टेटल, सैटेलाइट सिस्टम्स, डीवीडी सिस्टम्स। अच्छा फोरियर एनालिसिस तो हमारा ये कि अगर आप आगे तक पहुंचोगे तो उस पर और डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा फोरियर एनालिसिस पे, तो यहाँ तक की बात थी। अच्छी स्लाइड है इसके ऊपर। नाउ नेक्स्ट मैं आता हूँ हमारे पास है न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड पे आना है सर में मुझे। वेव्स के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी ये स्लाइड्स हैं, इसको अगर आप रीड करो ना तो मैंने सारी गारंटी नोट दी, सब चीजें जो पढ़ाई थी वो सारी चीजें नहीं स्लाइड्स के अंदर मौजूद है, मतलब आपको अगर ये स्लाइड्स भी चाहिए तो मैं ओपन पाइप क्लोज पाइप वाली भी न्यूमेरिकल्स के साथ स्लाइड्स है सारी ये बनाई हुई थी। अब ये कि मैंने इस वजह से क्योंकि प्रोजेक्टर पे दिखानी होती थी तो वो होता था मैंने यहाँ पे खुद ही करना है तो काम सर्विस को मैं वाइट करते हुए कर रहा हूँ।
नेक्स्ट मैं आता हूं। ये आ गया वापसी मुद्दे पे आ जाते हैं। न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड लैपलास करेक्शन, ये आपके पास है। ये पूरा मैं कंक्लूड कर देता हूँ एक दफा, इसको रीड करते हुए चलते हैं। तो इसका थोड़ा व्यू बढ़ा लेते हैं। सही है, नाउ इसको स्कैन कर लेते हैं। ये पहले से ही था, पहले वाला रख लेते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम वी नीड टू नो द मीडियम इज इलास्टिक प्रॉपर्टीज। अब ये लिखते रहना अपने पास पॉइंट, तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मीडियम इलास्टिक प्रॉपर्टी हो एंड इट इज डेंसिटी। से इट इज डेंस, उसे डेंसिटी रखता हूँ। मीडियम इज इलास्टिक ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, साउंड ट्रेवल फास्टर इन मीडियम विद अ हाईली इलास्टिक एंड मिनिमल ऑफ द डिफॉर्मिटी। सही है, लाइक स्टील साउंड ट्रेवल मोर स्लोली इन लेस विजिट। सही है, ये बात इसने कही थी। उसके बाद क्या हुआ था सर, इसाक न्यूटन प्रपोज दैट सिंपल फार्मूला फॉर कैलकुलेशन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लैडर पीरियड सैमन लैपलास, सही है, वुड रिवाइज द फार्मूला। तो उसको बाद में रिवाइज किया था लैपलास ने। बात ये थी भाई, इसने जो फार्मूला सपोज किया था ना डेवलपिंग द इक्वेशन, 17 सेंचुरी में इसने इक्वेशन डेवलप की थी। इसने कहा था सी न्यूटन्स फार्मूला एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल्स टू प्रेशर टू द बल्क मॉडुलस, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल्स टू पी ओवर रॉ। अच्छा, पी को इसने क्या कहा था, इसने पी को जो भी ऑब्वियसली एलिमेंट पैरामीटर डिफाइन किए थे नीचे लिखे थे, प्रेशर एक्टिंग ऑन द साउंड एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ने प्रेशर के ऊपर बात करी थी कि ये प्रेशर ऑफ अ साउंड जो है वो बेसिकली क्या होता है, और फिर रॉ के ऊपर बात करी थी, रॉ क्या है, डेंसिटी। अच्छा, प्रेशर जो था इसको एक्सप्लेनेशन पे जब ये गया था तो बाद में इसने कुछ और नई चीजें देखी। ऑन पेज 301 इन द प्रिंसिपिया मैथमेटिका न्यूटन स्टेट्स इन अ मीडियम ऑफ इक्वल डेंसिटी एंड इलास्टिक फोर्स द मीडियम प्रेशर इन पास्कल न्यूटन्स ओवर एरिया मेजर्ड मीटर और पल्सेस आर इक्वली स्विफ्ट। अब ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था एक्चुअली प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करना है। सही है, तो सर इसाक न्यूटन जब एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, सिर्फ लैपलास आया, ये लैपलास की पिक्चर थी। लैपलास ने कहा डेंसिटी जो थी ऑफ अ साउंड, अब उसने करेक्शन जो करी ना, उसने करेक्शन क्या की, उसने कहा गामा टाइम्स ऑफ पी, सही ओवर डेंसिटी, उसने गामा टाइम्स ऑफ पी गामा को एक्सप्लेन करने के लिए किया। अब गामा टाइम्स ऑफ पी और फिर पुटिंग करके इसने वैल्यूज को सही किया था। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूँ अपने पास से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया डेवलप हो गया इसने एक्चुअली करेक्शन क्या किया। न्यूटन ने कहा कि एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है ना वो दो चीजों के बराबर है। मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इलास्टिक प्रॉपर्टी ओवर इनर्शियल प्रॉपर्टी। इसने ये कॉन्सेप्ट लेके चला था, स्क्वायर रूट ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टी ओवर इनर्शियल प्रॉपर्टी। इसको देखते हुए इसने बोला पी ओवर रॉ, ये फार्मूला डेवलप किया। लेकिन आगे चल के पता चला क्योंकि साउंड जो है, सही है, जब ट्रेवल करता है हवा में, मूव करता है, तो हवा के अंदर जो है ना टेम्परेचर की वजह से जो बेसिकली जो है साउंड की जो वेव है वो रेयरफैक्ट और रिफ्रैक्ट, कंप्रेस और रेयरफैक्ट हो रही होती है सो रैपिडली, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टर्म से कैलकुलेट नहीं हो पाती। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि साउंड जो है ना एक्चुअली जो ट्रेवल कर रहा है एयर के अंदर, तो एयर के अंदर वो टेम्परेचर जो है ना उसके ऊपर फैक्टर जरूर होगा। अब वो टेम्परेचर के जो फैक्टर को सर इसाक न्यूटन मेंशन करना भूल गए। अब टेम्परेचर के फैक्टर को जब वो मेंशन करना भूल गए तो उसका करेक्शन किया था लैपलास ने। लैपलास ने ये करेक्शन किया था, अगर देखा जाए मैथमेटिकली बड़ा मामूली सा करेक्शन है लेकिन फिजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्शन है। तो इनका करेक्शन ये होता गामा टाइम्स ऑफ पी ओवर रॉ, सारा फार्मूला वही था। अगर आप नोट करो ये करेक्शन जो हुआ ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंट्रोड्यूस की गई, वो टर्म थी गामा की। गामा क्या था, गामा एक रेशियो था सीपी ओवर सीवी का, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सही है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का, जिस पे आपने यकीनन फर्स्ट ईयर में बड़ी लंबी चौड़ी बात करी है। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है,
इसकी एक्चुअल वैल्यू 1.41 जो होती है, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कैसे निकल के आती है। और आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, वो सारी डेरिवेशन जो आपने करी है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो गामा को एक्सप्लेन इसने वहां से किया था, और इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके इसने बताई थी वो उस वक्त जो थी वो तकरीबन, और आज भी तकरीबन 1.41 के करीब जो थी वो इसकी वैल्यू आई थी। और फिर इसने जो थी वो आगे एक्सप्लेनेशन दिया थी, इसने कहा था वेलोसिटी इक्वल्स टू आरपी ओवर रॉ, रॉ डेंसिटी थी, फिर डेंसिटी की वैल्यू पुट करी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर इसने बोला आरपी वी को ऊपर ले गए, क्या हो जाएगा यार, पीवी हो जाएगा ओवर एम, और आइडियल गैस, और आइडियल गैस हमारे पास पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी ओवर एम। फिर उसने कहा एट एयर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एयर में एवरेजली 20% ऑक्सीजन है और 80% नाइट्रोजन है, और आइडियली बात कर रहा हूँ ना थ्योरेटिकली, वो मुझे पता है 18% है, 2% और 1% अलग अलग चीजें हैं, नाइट्रोजन भी कह रहा हूँ, कार्बन है ना शायद, हाँ। तो अब क्या करें, उसने यहां से इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला था, 0.028 amu तकरीबन बना था, एवरेज वैल्यू ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एयर, एयर में ऑक्सीजन भी और ये भी है, एन की वैल्यू एटॉमिक मास 1 है, आर की वैल्यू 8.314 जूल्स पर केजी पर केल्विन, और टेम्परेचर पता नहीं था, गामा की वैल्यू 1.41 थी, सारी वैल्यू वेलोसिटी के अंदर